हिंदी आप अगर हम लिंग बदलोगे ठीक है। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग बदलो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है। सबसे पहले देखो स्त्रीलिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जिससे स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे बेटी, दादी, रानी आदि, ठीक है। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। और हमारा दूसरा भेद है लिंग का पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पुरुष जाति का जिनसे बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे बेटा, दादी, राजा आदि, ये क्या है? सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग, ठीक है। आगे इसके कुछ और अन्य उदाहरण बच्चों आप देखिए, जैसे दादा, दादी। दादा क्या है? पुल्लिंग। और दादी स्त्रीलिंग। पुरुष पुत्र, पुत्री। दास, दासी। देव, देवी। चाचा, चाची। नाना, नानी। घोड़ा, घोड़ी। बाल, बाला। आगे है सुनियार, सुनियारन। धोबी, धोबन। माली, मालन। नाग, नागिन, ठीक है। जैसे बेटा, बेटिया, ठीक है। आगे देखो शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। मोर, मोरनी। हंस, हंसनी। सिंह, सिंगनी। भील, भीलनी। कबूतर, कबूतरी, ठीक है। नौकर, नौकरानी। देव, देवरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी, ठीक है। ये जैसे मानो और देखो जिनके पीछे आए लगता है, जैसे पंडित, पंडिताइन, ठीक है। ठाकुर, ठकुराइन, ठीक है। ये सभी क्या थे? लिंग बदलो। और अन्य देखो कुछ और लिंग, जैसे लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। पाठक, पाठिका। बालक, बालिका। नायक, नायिका। श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। भगवान, भगवती। धनवान, धनवती, ठीक है। ये सभी क्या किए हमने? लिंग बदलो, ठीक है। कुछ हो जैसे पिता, माता, भाई, बहन। कवि, कवित्री। राजा, रानी। वर, वधु, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सी उदाहरण बता दिए। आप सभी बच्चों ने इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करना है, ठीक है।